लद्दाख द लैंड ऑफ हाई पासिस, हिमालयन और ट्रांस हिमालयन रीजन की पेरिफेरी पर बसा दुनिया का एक यूनिक रीजन। ये जगह हर 50 किलोमीटर और हर 3 महीने में अपना रंग बदलती है। एंड विंटर्स इज द टाइम व्हेन दिस प्लेस एग्जिबिट्स इट्स ब्यूटी टू द फुलेस्ट, एंड दैट्स व्हेन इट इज कॉल्ड द लद्दाख वंडरलैंड। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसा होता है विंटर लद्दाख का एक्सपीरियंस, कहां कहां जा सकते हैं हम लद्दाख के विंटर्स में, और कहां रुक सकते हैं, और क्या क्या जगह देख सकते हैं हम विंटर लद्दाख में। वैसे इस समय सड़क से लद्दाख पहुंचने के 3 रास्ते हैं। इनमें जो 2 सबसे कॉमन रास्ते हैं वो है श्रीनगर ले हाईवे या नेशनल हाईवे 1 लेकर, और दूसरा रास्ता है टेकिंग द फेमस ले मनाली रोड या नेशनल हाईवे 3। लेह पहुंचने का तीसरा रास्ता है जंस्कार रोड लेकर लेह पहुंचना। यह रास्ता पदुम होता हुआ जाता है जो कि है जंस्कार का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स। इस रास्ते को हम मनाली और कारगिल दोनों जगह से एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि सर्दियों में ये तीनों रास्ते बंद होते हैं। असेंशली सर्दियों में लद्दाख सड़क के रास्ते से कट ऑफ हो जाता है। इन तीनों रास्तों में से जो श्रीनगर ले हाईवे है वो रास्ता करीब करीब दिसंबर तक खुला रहता है। हालांकि लेह तक एक ऑल वेदर रोड पर काम अभी चल रहा है जो कि जंस्कार होते हुए लेह पहुंचेगी। सर्दियों में लद्दाख हिंदुस्तान का सबसे ठंडा रीजन होता है, जहां कई एरियाज में स्पेशली इन द चांगथांग रीजन रात का मिनिमम टेम्परेचर -25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और हाई माउंटेन पासेस जैसे चांगला और उमलिंगला पर ये -40 तक पहुंच जाता है। पर इतनी सर्दियों में भी ज़्यादातर लद्दाख के अंदर की सड़कें एक्सेसिबल होती हैं। नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 3 और जंस्कार रोड के अलावा लद्दाख का जो एरिया सर्दियों में रोड से कट ऑफ रहता है वो है मेनली जंस्कार का, जो कि लद्दाख के साउथ एंड साउथ वेस्ट में पड़ता है। हालांकि दिस रीजन कैन बी एक्सेस्ड बाय ट्रैकिंग ऑन द फ्रोजन जंस्कार रिवर। तो सर्दियों में लद्दाख घूमने के लिए हमको सबसे पहले पहुंचना होगा लेह फ्लाइट के रास्ते से। इस टाइम ऑलमोस्ट पूरे लद्दाख में इंक्लूडिंग इन द कैपिटल ऑफ लेह टेम्परेचर दोपहरी के टाइम पे भी सब जीरो होता है, इसीलिए यहाँ पर 90% होटल इस टाइम बंद रहते हैं, जिनमें सर्दियों में सेंट्रल हीटिंग एंड रनिंग वाटर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। लेह और उसके आसपास साइट सीइंग के लिए साइट्स भी इस टाइम ओपन रहती हैं, जैसे कि लेह पैलेस, थिक्से मॉनेस्ट्री एक्सेट्रा। लेह की मार्केट भी पार्शियली खुली होती है, जहां पे यू कैन गेट ऑल द प्रोविजंस दैट यू नीड। यह है लेह की मेन मार्केट इन विंटर्स। चहल पहल उतनी नहीं है जितनी समर्स में थी। चहल पहल उतनी नहीं है जितनी समर्स में होती है इस मेन मार्केट में। हाँ, कुछ दुकानें बंद भी हैं, जैसे कि ना दिखाई दे रही है ना, दुकानें बंद भी हैं। इसके अलावा ऑल्दो श्रीनगर ले हाईवे जोजिला पास पर खूब सारी बर्फ गिरने की वजह से बंद हो जाता है, पर यह हाईवे स्टिल कारगिल और लगभग द्रास तक खुला रहता है, एंड इसीलिए हम लामयुरू, कारगिल और द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल देख सकते हैं इस मौसम में भी। सर्दियों में ही लेह के पास एडजेसेंट टू द फ्रोजन जंस्कार रिवर बनता है
एक खूबसूरत आइस कैफे, अनदर ब्यूटीफुल साइट टू विजिट इन विंटर लद्दाख। इसके बाद हम जा सकते हैं लद्दाख और हिंदुस्तान के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में टू द ब्यूटीफुल नुब्रा वैली, जहां पहुंचने के लिए हमें पार करना होता है द कम्प्लीटली स्नो कवर्ड खाडुंगला पास। ये वेरी डिफरेंट साइट फ्रॉम व्हाट इट इज ड्यूरिंग समर टाइम। लद्दाख के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को देखने के बाद हम देख सकते हैं आर्ग्यूबली लद्दाख का सबसे खूबसूरत रीजन द चांगथांग प्लेटू। खूबसूरत होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे हाई ऑल्टीट्यूड प्लेटू भी है, जिसका ज्यादा एरिया तो तिब्बत में है पर लद्दाख में भी एक सिग्निफिकेंट पोर्शन पड़ता है। ऑल्सो आउटसाइड ऑफ माउंटेन पासेस ये इस टाइम लद्दाख का सबसे ठंडा एरिया भी है। चांगथांग प्लेटू का ये एरिया ऑल्सो फेमस है अपनी झीलों के लिए, इंक्लूडिंग द वेरी फेमस पेंगोंग सो, जिसको सर्दियों में पहुंचने के लिए हमें पार करना होता है द स्नो कवर्ड चांगला पास। तो पहुंच गए हम चांगला टॉप पर। करंटली टेम्परेचर हो रहा है -15 एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ ओवर 5300 मीटर्स। इसके एक तरफ है डुरबुक और दूसरी तरफ है खारू। 12:30 बज रहे हैं और साढ़े करीब -15 का टेम्परेचर है। चांगला का वैसे मतलब होता है पास इन दी नॉर्थ। ये लद्दाख रेंज का पास है। यहाँ पे ये है सामने चांगला बाबा का मंदिर, एक कैफ़े भी है, एन आर्मी की पोस्ट भी है यहाँ पर। कम्प्लीटली कवर्ड इन स्नो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वैसे सर्दियों में पेंगोंग लेक पर नाइट स्टे के लिए कोई खास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होती अपार्ट फ्रॉम 102 इन डुरबुक, तो इसीलिए इट्स बेटर टू मेक अ डे ट्रिप फ्रॉम लेह टू पेंगोंग लेक। चांगथांग प्लेटू का दूसरा मेजर मस्ट विजिट डेस्टिनेशन इन विंटर्स ऑफ लद्दाख है खूबसूरत हानले का गांव, जो कि चांगथांग का सबसे मेजर गांव है। अब इसको पेंगोंग से विया चुशुल भी पहुंचा जा सकता है, पर उसके लिए पेंगोंग में नाइट स्टे करना पड़ेगा, विच इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड इन विंटर्स। तो इसीलिए बेस्ट रूट इन विंटर्स टू रीच हानले इज द ले हानले रूट अलोंग द इंडस रिवर, जो कि इस समय उपशी के बाद बिल्कुल फ्रोजन स्टेट में होती है। तो यह फ्रोजन सिंधु नदी इंडस रिवर, हमें हानले के रास्ते पर ये आ रही है मानसरोवर से, इस टाइम फ्रोजन है और करीब करीब नियोमा तक हमारे साथ चलेगी और वहाँ से ये चाइना की तरफ चली जाती है, मानसरोवर की तरफ, संचली तिब्बत की तरफ। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल साइट। थोड़ा सा यहाँ पे क्रैक है भैया, टूट ना जाए, वापस चल लेते हैं। सिंधु रिवर ऑफ शिवा, मान सरोवर, जिसका कि मतलब है आदमी का सरोवर, जहाँ से एसेंशली द ओरिजिन्स ऑफ लाइफ। व्हाट अ साइट टू रिलिश, अमेजिंग। ऑल्सो लेह से हानले के रास्ते पर हम देख सकते हैं खूबसूरत चुमाथांग हॉट स्प्रिंग्स, जहां पर रहने के भी एक दो ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो ये है द ब्यूटीफुल चुमाथांग हॉट वाटर स्प्रिंग्स लेह से हानले के रास्ते पर अलोंग द इंडस वैली। टेम्परेचर है -4 या -5 एंड यहाँ पर अमेजिंग हॉट वाटर स्प्रिंग्स। आई मीन बर्फ है, देयर इज आइस ऑन द साइड्स
एंड यहाँ से निकल रहा है हॉट वाटर. सो अमेजिंग. दिस इज ऑल आइस एंड यहाँ पे ये है हॉट वाटर. क्या बात है. वंडर्स ऑफ नेचर. अमेजिंग. हानले में हम देख सकते हैं एक एंशंट हानले की मोनेस्ट्री एंड इंडिया की हाईएस्ट ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. पहुंच गए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. एंड ऑफ कोर्स हानले के पास ही पड़ता है उमलिंगला, द हाईएस्ट मोटरेबल माउंटेन पास इन द वर्ल्ड. अगेन विंटर्स में लद्दाख में हानले में स्टे के लिए सिर्फ एक दो ऑप्शंस ही अवेलेबल होती हैं. सो हम है पद्मा गेस्ट हाउस इन हानले. दिस इज द रूम ऑफ द गेस्ट हाउस. लुक्स लाइक ए प्रीटी कंफर्टेबल रूम. ये है हीटर. आई थिंक इट रन्स ऑन केरोसिन. यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है. पास ही में सोलर पावर प्लांट है एक. प्रॉब्ली वहाँ से दिस हानले टाउन और विलेज इज सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी. इट्स प्रीटी कोल्ड हेयर. द एंटायर वैली ऑफ हानले इज सराउंडेड बाई हिल्स ऑन ऑल साइड्स एंड हिल्स पे बर्फ़ है एंड वहाँ से विंड चल रही है. सो यू कैन इमेजिन हाउ कोल्ड इट वुड बी. यहाँ पे रात को टेम्परेचर विल ड्रॉप डाउन टू -25 डिग्री सेल्सियस. सो इट विल बी प्रीटी डैम कोल्ड. इन अबाउट 1 आवर विल बी लीविंग फॉर द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विच इज़ इंडियाज हाइएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी. द प्लेस ऑफ हानले इट्सेल्फ इज एट 4300 मीटर्स. सो या दैट्स इट फॉर नाउ. हानले से लेह के अपने रिटर्न रूट पर हम देख सकते हैं द ब्यूटिफुल सोमोरेरी लेक, जो कि सर्दियों में कम्प्लीटली फ्रोजन होती है. ये लेक को हम न्योमा माहे और क्यागरला रूट से एक्सेस कर सकते हैं. लेह टू सोमोरेरी विया टांगलांगला वाला रूट सर्दियों में बंद होता है. तो ये है द ब्यूटिफुल वेरी ब्यूटिफुल सोमोरेरी लेक. कम्प्लीटली फ्रोजन, पूरी तरह से जमी हुई है. और इनफैक्ट इस टाइम मैं लेक के ऊपर खड़ा हूँ लिटरली. भाई बस छूटियो मत. बट क्या जगह है, बहुत ही बढ़िया. एंड इस टाइम यहाँ पे कोई भी नहीं है. वाओ वाओ. टेम्परेचर आई एम नॉट श्योर, -10 होगा शायद. इतनी ठंडी नहीं है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है. अच्छी से धूप निकली हुई है. बहुत बढ़िया जगह, बहुत ही बढ़िया. सो गुड, सो सो गुड. वाओ, व्हाट टू से मैन, व्हाट टू से अबाउट दिस प्लेस. अनबिलीवेबल. एंड फाइनली सोमोरेरी के बाद हम देख सकते हैं द ब्यूटिफुल पूगा हॉट स्प्रिंग्स, विच बियर्स अ स्ट्राइकिंग कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट इट इज इन द समर्स. पूरा स्नो है और ये रहा सामने पूगा का हॉट वाटर स्प्रिंग. अमेजिंग. What a place. तो इस सामने है पूगा का हॉट वाटर स्प्रिंग. अमेजिंग. तो अपने विंटर लद्दाख के इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय फॉर नाउ.